गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों के कमेंट्स जो है रेगुलर बेसिस पे पढ़ पा रही हूँ, पर सॉरी फॉर दैट, अगर मैं किसी भी कमेंट का जवाब ना दे पाऊँ तो आप प्लीज़ फिर दोबारा एक बार कमेंट करके आप मुझे याद दिला सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी एक एक वीडियोज़ के प्रॉपर कमेंट्स देखती हूँ ताकि आप लोगों को रिप्लाई कर पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी मेरे एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो DSSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वेदर फॉर TGT और PGT, तो आप लोगों ने मुझसे क्वेरी की थी। आज बेसिकली मैं आपके क्वेश्चंस का ही जवाब देने के लिए वीडियो बना रही हूँ, एंड बहुत शॉर्ट वीडियो में मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोग भी अपना टाइम को बचा सकें। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि हम लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं और प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट की है, तो क्या पॉसिबल है हमारा सिलेक्शन हो पाए? मैं आपको यही बोलूँगी, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो अभी राइट नाउ तो मैं आपको नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं करूँगी, बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगी, रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि अभी नाउ वी हैव शॉर्ट टाइम। अब इतना टाइम नहीं है कि आप लोग नोट्स बनाएं और तब नोट्स बनाने के बाद पढ़ें। मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी, जब भी आप लोग कुछ भी अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रेफर NCERT और अपने हाथ में एक हाईलाइटर ज़रूर रखें, और जो इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको मार्क करते जाइए हाईलाइटर से। एंड मैं यही बोलूँगी आपको, सारी इम्पॉर्टेंट लाइन्स मार्क करने के बजाय ऐसी लाइंस जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो, या ऐसी लाइंस जो आप लोगों को अभी अभी आप पढ़ रहे हैं या आपको उस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। हम कई बार NCERT में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, सपोज़ आप एक पेज पढ़ रहे हैं और काफ़ी चीज़ें एक पेज में से 15-20 लाइन आपको ये कंसेप्ट पहले से ही पता है, तो उसको मार्क करने का, हाईलाइट करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जो आपको नया लग रहा है, जो आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपनी NCERT में, देन मार्क इट विद अ हाईलाइटर। नोट्स अभी मत बनाइए बिल्कुल भी, कोई भी टाइम नहीं है नोट्स बनाने का। सेकेंडली, मेरे पास ये भी आया कि जो हमें घर, हम लोग हाउसवाइफ हैं तो हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, ऑल दो हम ट्यूशन्स दे रहे हैं बच्चों को, तो मैंने आपको कहा था ट्यूशन्स आप अपने सब्जेक्ट की देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर 2 महीने किसी 1-1.5 घंटा किसी सीनियर बच्चे को, अगर आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या PGT के लिए, तो अगर आप सीनियर क्लासेस को 9 से लेकर 12 तक ट्यूशन दे सकते हैं तो आपके लिए प्रेफरेंस रहेगी, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और आपको ये भी लगेगा कि 1.5 घंटा मैंने अपनी भी रिविजन कर ली। बोलते हैं ना कि हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखना चाहिए, मैं डेफिनेटली बोलूँगी, मैं आपको सेल्फिश होने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी। फ़ायदा मतलब अपनी पढ़ाई का फ़ायदा तो बिल्कुल देखना चाहिए। अगर आपको फ्री के अंदर भी कुछ लग रहा है कि हाँ, कोई बच्चा अगर आपको पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और थोड़े कम पैसों में भी हो जाता है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको वो 1.5 घंटा मिल जाएगा, एंड टिल द टाइम घर वालों को भी ये लगेगा कि आप लोग पढ़ा रहे हो और साथ बा साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ा सिर्फ अपने लिए रहे हैं ताकि अपनी नॉलेज आपको हो सके और 1.5 घंटा आपको एक सेपरेट मिल जाए, राइट। सेकेंडली, एक और चीज़ थी कि अगर फैमिली वाले डीमोटिवेट करते हों, घर का काम इतना है कि हम लोग इतने थकावट है कि हम लोग टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं, हस्बैंड को डीमोटिवेट करते हैं, कई बार होते हैं कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, कुछ मदर इन लॉ फादर इन लॉ होते हैं कि छोड़ो पढ़ाई करके क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, अभी कुछ जवाब मत दीजिए बस, लेकिन अपने आप से 1/2 घंटा मैंने आपको कहा था अपने साथ ज़रूर टाइम बिताइए। एंड ये सारी जितनी भी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोगों की बातें हैं ना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, एंड टॉक टू योर सेल्फ। हम बोलते हैं ना, हमसे ज़्यादा हमारा जो वेल विशर होता है कोई और नहीं होता है, या तो हमारा बहुत अच्छा कोई फ्रेंड हो, या मुझे तो ये लगता है कि अपने से ज़्यादा हमारे बारे में कोई अच्छा नहीं सोचता। तो 1/2 घंटे दिन में, भले जब आप वॉक करते हैं, चाहे म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ भी है जिसमें आप घर का काम नहीं करेंगे, आपके बच्चे आपके आसपास नहीं होने चाहिए, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना पढ़ाई, तो वो 1/2 घंटा आप अपने आप को दीजिए अकेले में, जिससे आप खुद से बात कर सकें और खुद से बात करके अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकें, क्योंकि हमसे ज़्यादा मोटिवेट हमें कोई और नहीं कर सकता है। तो हार मत मानिए, नेगेटिव लोगों की बातों में मत आइए और बस अपने कदम पे, अपने रास्ते पे चलते रहिए, एंड आपकी सक्सेस, आपकी जॉब, आपका जब आप कामयाब होंगे वो आपका जवाब देगा बाकी लोगों को। इट्स बेटर ना कि हम बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमने सुना है कि इतना ज़्यादा बोलने के बजाय आप कुछ करके दिखाइए ताकि उनको अपने आप ही जवाब मिल जाए। मैथ्स के लिए मैं बहुत फील कर पा रही हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन, मैथ्स के बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि हमसे मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स ऐसा है, मैथ्स के नाम से डर लगता है। मैंने आपको पहली चीज़ यही बताई थी, डर उन्हीं लोगों को लगता है, उन्हीं लोगों से मैथ्स नहीं होता है जो लोग पहले से ही मैथ्स का नाम सुन के घबरा जाते हैं। मैंने आपको बोला कि 5-1 के अंदर DSSSB में 6 से लेके 8 तक, या 5th से लेके 8 तक, 8th के लेवल के आगे मैथ्स नहीं आता है, और 8 तक हम बहुत बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, हम लोग खुद स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं।
इतने ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं और दो चैनल्स आप लोगों के लिए सजेस्ट करूँगी जिनको मैंने सर्च आउट किया, उनकी वीडियोस देखी, सॉल्व करके देखा, तो मुझे लगा आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो एक तो आपका चैनल है डियर सर, आपको पता होगा, डेफिनेटली आप में से काफ़ी जने जानते होंगे। डियर सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें सर जो हैं बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। पहले कंसेप्ट बता रहे हैं, लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, और उसके बाद एक शॉर्टकट भी बता रहे हैं। अपने पास समझते टाइम एक एक टॉपिक डालिए, लाइक टाइम एंड वर्क है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, पहले समझिए। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्टकट तभी कर सकते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। हम शॉर्टकट हर एक चीज़ का रटके, मैथ्स तो कभी भी रटके नहीं आने वाला है। आप लोग पहले उसका एक्सप्लेनेशन समझिए, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके शॉर्टकट नोट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक रजिस्टर अपने पास रखेंगे, एक न्यू रजिस्टर। जब हम न्यू रजिस्टर लेते हैं ना, एक मोटिवेशन भी आती है हमारे अंदर। बिलीव मी, एक नया रजिस्टर लीजिए जो सिर्फ मैथ्स का हो, कहीं कचरे वचरे किसी बेकार सी कॉपी में नहीं लिखना। एक नया रजिस्टर खरीदिए मोटा सा, जिसमें आप लोग ऊपर लिखिए मैथ्स शॉर्ट ट्रिक्स, और हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन। टाइम वर्क में आपको 5 से 6 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये 5-6 तरह की टाइप मिलेंगी। आप लोग क्या करेंगे, टाइप 1 क्वेश्चन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और फिर शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे। बिलीव मी, शॉर्ट ट्रिक से 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई कीजिए सर का चैनल। और एक और चैनल है आपका स्मार्ट स्टडी फॉर करियर, ये वाला भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको दोनों में से बेटर लगे। कुछ टॉपिक्स डियर सर में बहुत अच्छे हैं, कुछ टॉपिक्स आप स्मार्ट स्टडी विद करियर में बहुत अच्छे हैं। ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स वाले चैनल है, लेकिन आपको इसमें पूरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। राकेश सर का चैनल मैं बता चुकी हूँ, बट क्योंकि वीडियोज़ जो हैं एक टॉपिक को लेकर बहुत सारी है, और हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए छोटी छोटी वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए। तो ये वाले चैनल्स आप देख सकते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को मैथ्स इजी लगने लगेगा। जीके के लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। स्टिल अगर आपको कैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू DSSSB या एनी टीचिंग एग्जाम और एनी टीचिंग प्राइवेट जॉब, आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।